नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव का जोरदार हुआ स्वागत। अपना दल एस पार्टी जिला कार्यालय जगदेव मैरिज लॉन में नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव पप्पू माली का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय सचिव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल तथा कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के प्रति जताया आभार। पार्टी के कार्यों के प्रति समर्पण और सक्रियता के चलते फिर राष्ट्रीय सचिव बने पप्पू माली। 2004 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार, ये कहना है पप्पू माली का। जिलाध्यक्ष शिव नायक पटेल की अध्यक्षता में मासिक बैठक संपन्न हुई। अनुप्रिया पटेल पिछड़ों और दलितों के लिए एकमात्र विश्वसनीय नेत्री हैं। राष्ट्रीय सचिव की ओर से ये बयान सामने आया तो वहीं पप्पू माली ने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने में राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम है। राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पुनः राष्ट्रीय कमेटी में जगह देकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। देखिए, पार्टी ने मुझे मेरे कार्यों को देखते हुए मेरे कार्यों को समीक्षा किया और पुनः इसलिए मुझे इसी दायित्व पर जो जिम्मेदारी दी है मैं उस पर खड़ा उतरने का फिर प्रयास करूंगा। पार्टी के मिशन 2024 के लिए हम लोग काम करेंगे और मेरा संगठन पूर्ण विश्वास है कि इस बार पुनः एनडीए की सरकार बनाएंगे। देखिए, हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने सड़क से लेकर संसद तक दलित पिछड़ों वंचित समाज की आवाज़ उठा रही हैं, इसलिए आज के समय अब बहन अनुप्रिया पटेल जी अपना दल एस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में एक उभरती हुई सितारा हैं। पिछड़ों दलितों वंचितों की एक आस है कि आने वाला समय पिछड़ों दलितों वंचितों की कोई बात कर सकता है, कोई नेता है तो बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं। के ओबीसी कोटे के लिए जो आरक्षण की जो भूमिका है उसके लिए भी हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी संसद में कई बार इस पर मुद्दा उठा चुकी हैं, वो बात उठा चुकी हैं और वो पिछड़ी जात की जनगणना कराने के लिए भी सरकार से समय समय मांग भी कर रहे हैं। उनका प्रथम प्राथमिकता भी है कि पिछड़ी जात के लोगों की जनगणना कराया जाए। देखिए, हमारी पार्टी उसमें दावेदारी क्या, हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ हैं, हमारी पार्टी वहाँ मिलकर एनडीए के साथ समर्थन कर रही है। देखिए, जो पार्टियाँ हैं सबका सम्मान है, विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। सारे पार्टियों को पिछड़ों दलित वंचित समाज की आवाज़ को उठाना चाहिए, इसका हम सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं। नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी सरकार में रह के भी इनकी आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए धन्यवाद भी पाते हैं। ये हमारी पूरा पूर्वांचल है, पूरा उत्तर प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी इस बार पूर्व से लेकर पश्चिम से, पश्चिम लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह हमारे विधायक हुए हैं। हम 17 सीट पर चुनाव लड़े थे, 12 विधायक हमारे पार्टी में हुए हैं और पूरे प्रदेश में हर मंडल में करीब करीब एक विधायक हमारे हैं। अभी देखिए, हमारा 2027 के चुनाव पर फोकस नहीं है, हमारा चुनाव 2022 पर और 2022 के चुनाव हो चुका है, 2024 के चुनाव पर फोकस है। लोकसभा चुनाव सामने आए और उसके पहले नगर निकाय का चुनाव होना है, उस पर भी हम लोगों का दिमाग और काम कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा संगठन इस चुनाव में भी बहुत मजबूती के साथ लड़े, जिससे 2, 4, 6, 10 ब्लॉक प्रमुख और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आधार पर हम लोग चुनाव लड़े।
तो हमारी सरकार से मांगे समान शिक्षा नीति लागू हो। ये हमारी सरकार समय से मांग कर रही है और इस सरकार में आपने देखे हैं और देख रहे हैं कि 5 साल पहले ये समाजवादी पार्टी की सरकार है तो प्राइमरी का दशा क्या था। आज प्राइमरी विद्यालय की दशा बदल चुका है। प्राइमरी के मास्टर त्राही त्राही मचाए हुए हैं कि इतना काम ये सरकार ले रही है उसका आप जाके देखिए सर्वे करिए कि प्राइमरी के विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ी है, उनका डेस्क बेंच किताब कापी रहन सहन कंप्यूटर शिक्षा बहुत बदल गया है। अब हर लोग चाहते हैं कि प्राइमरी से हमारे बच्चे की शुरुआत। सरकार निजीकरण, सरकारी संस्थानों का निजीकरण है, निजीकरण उस चीज का हो रहा है जो आज की स्थिति में हमारा संघ की स्थिति में उसका निजीकरण करके उसको और अच्छे ढंग से लागू किया जाए।